जनपद में 49 परीक्षा केंद्रों पर वीडियो का परीक्षा सकुशल संपन्न हुआ, जिसके संबंध में एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने बताया कि गोरखपुर में 49 परीक्षा केंद्रों पर वीडियो की परीक्षा सकुशल संपन्न हुई है, जो कि 26 व 27 जून को 2 दिन के लिए है। उन्होंने बताया कि हर पाली में 24,000 अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं। परीक्षा सकुशल संपन्न हुई है और कहीं से भी किसी तरह की कोई समस्या नहीं आई है। उन्होंने बताया कि हर परीक्षा केंद्र पर जिला प्रशासन की तरफ से एक स्टैटिक्स मैनेजर की ड्यूटी लगाई गई है और 3 परीक्षा केंद्रों पर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है, जो भ्रमशिर रहकर परीक्षा केंद्रों की निगरानी कर रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने कहा, गोरखपुर जनपद में कुल 49 परीक्षा केंद्रों पर ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी की पुनः परीक्षा आयोजित हो रही है, जो कि 26 और 27 तारीख को 2-2 पालियों मिला के कुल 4 पालियों में होना है। प्रतिपाली लगभग 24,000 बच्चे यहाँ पे परीक्षा में प्रतिभाग करेंगे। प्रथम पाली की परीक्षा 26 तारीख की आज सकुशल संपन्न हो गई है, कहीं से किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है। और द्वितीय पाली की परीक्षा शाम 3 बजे से प्रारंभ होगी। पूरी परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से हो रही है, सारी व्यवस्थाएं हमारी सकुशल संचालित हो रही हैं, कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर परीक्षा नियंत्रक के द्वारा नामित एजेंसी के माध्यम से एक केंद्र प्रभारी बनाया गया है। इसके अतिरिक्त हमारे स्कूल के केंद्र व्यवस्थापक प्रत्येक केंद्र पर उपस्थित हैं। साथ ही जिला प्रशासन की तरफ से प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर एक स्टेटिक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है तथा 3 परीक्षा केंद्रों पर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई, जो निरंतर बोनसी लेकर परीक्षा की निगरानी कर रहे हैं। कहीं से किसी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त होती तत्काल उसका समाधान किया जाएगा।